अज़्ज़ाज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आज हम आपको बताएंगे गाय के तिब्बी फ़ायदों के बारे में और उसके शरीई हुक्म और ख़्वाब में देखने के उसकी ताबीर के बारे में। गाय का शरीई हुक्म। गाय का दूध और उसका गोश्त मुत्तफ़क़ अलैह तौर पर खाना जायज़ है, यानी तमाम अइम्मा के नज़दीक उसका खाना जायज़ है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गाय की चर्बी और दूध शिफा बख्श है और गोश्त बीमार कुन है। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है। और बुखारी शरीफ की हदीस में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाज की तरफ से गाय की क़ुरबानी की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गाय का दूध शिफा बख्श है, उसका घी इलाज है और गोश्त बीमारी है। गाय बैल के तिब्बी फ़ायदे। गाय बैल की चर्बी को सुर्ख जरनीख यानी हड़ताल में मिलाकर घर में अगर उसकी धुनी दी जाए तो उससे सांप, बिच्छू और कीड़े मकोड़े भाग जाते हैं। गाय या बैल की चर्बी अगर किसी बर्तन में मल दी जाए तो उसमें मच्छर जमा हो जाते हैं। गाय या बैल के सींग को बारीक पीस कर पीने से शहवत में इजाफा होता है। गाय का खून बहते हुए खून को बंद कर देता है। गाय बैल के पित्ते को माए कुरास में मिलाकर बवासीर में लगाने से बवासीर से शिफा और दर्द में राहत मिलती है। इसी तरह उनकी पित्त को छाइयों और सियाह दागों में, काले धब्बों में लगाना फ़ायदेमंद है। अगर उनके पित्त को शहद में मिलाकर सुरमे के तौर पर इस्तेमाल करें तो आँखों की बीनाई में इजाफा होता है। अरस्तु ने लिखा है कि काले रंग की गाय का पित्त आँखों में सुरमे के तौर पर इस्तेमाल करना आँख की रोशनी में इजाफा करता है। हकीम केमास ने लिखा है कि अगर गाय की आँख फूट जाए या बाहर निकल आए तो उसकी आँख के पानी से किसी कागज़ पर लिखे तो वह दिन में तो न पढ़ा जाएगा लेकिन रात में पढ़ा जा सकता है। गाय के बालों को जलाकर पी लिया जाए तो दांतों के दर्द के लिए नफा बख्श है। इसी तरह उसके बालों को जलाकर सकंजबीन में मिलाकर पीने से तिल्ली ख़त्म हो जाती है। और अगर बदन के किसी हिस्से पर सूजन आ गई हो तो उस हिस्से पर गाय या बैल का गोबर मलने से वो सूजन ख़त्म हो जाएगी। अगर किसी जगह चींटियों के निकलने का अंदेशा हो तो वहाँ उसके गोबर की धुनी देने से चींटियाँ नहीं निकलती। अगर पैर के जोड़ों के आमास पे गोबर लगाया जाए तो उससे जल्द शिफा हासिल होगी। अगर किसी हामिला औरत को बवक्त दर्द ज़ेह उसके गोबर की धुनी दी जाए तो विलादत में आसानी पैदा हो जाती है और ख़्वाह मुर्दा हो या जिंदा, बच्चा आसानी से पैदा हो जाता है और उसकी झिल्ली भी आसानी से बाहर निकल जाती है। अगर किसी घर में उसकी धुनी दी जाए तो घर के जहरीले कीड़े भाग जाते हैं। अगर किसी जले हुए शख्स को ये लगाया जाए और उसके नाक में फूंक दिया जाए तो नकसीर का खून बंद हो जाएगा। जिस्म में अगर काटा या नेज़ा चुभा हुआ हो तो उसे जिस्म पर बार बार मलकर इतनी देर छोड़ दे कि वो सूख जाए तो वह आसानी से निकल जाता है। हरमस कहते हैं कि गुलाब के अर्क को अगर बिदके हुए बैल के नाक पर मल दे तो वह ठंडा और मदहोश हो जाता है। बैल या गाय को ख्वाब में देखने की ताबीर। अगर किसी ने गाय या बैल को ख्वाब में देखा तो उसकी ताबीर सालों और बरसों से दी जाएगी, जिस तरह के यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उसकी ताबीर यही दी थी, अगर मोटे देखे हो तो शादाब साल होंगे, अगर दुबले पतले देखे हो तो कहत साली से ताबीर दी जाएगी, बशर्ते कि गाय या बैल सफ़ेद या काले रंग के ख्वाब में आए हों। वरना अगर किसी ने जर्द या सुर्ख रंग यानी पीला या लाल रंग की गाय देखी तो उसकी ये ताबीर दी जाएगी कि वो दरख्त को अपने सींगों से मार कर उखाड़ देगी या किसी इमारत को गिरा देगी, इसलिए कि ये गाय फितनों की शक्ल में नमूदार होती है। जिन मकानों में दाखिल हो जाएगी उसको गिरा देगी, इसलिए कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आखिरी दौर में फितने बैल के सींगों और आँखों की तरह ज़ाहिर होंगे। अगर किसी ने ख्वाब में जर्द रंग की यानी पीले रंग की गाय देखी
तो ये ताबीर होगी कि उस साल सरसब्ज़ी व शादाबी होगी। और अगर काला और सफ़ेद रंग दोनों किस्म की गाय देखी तो ताबीर ये होगी कि शुरू साल में शिद्दत और सख्ती का सामना करना पड़ेगा। अगर किसी ने गाय का पिछला हिस्सा चितकबरा देखा तो उसकी ताबीर ये होगी कि आखिर साल में परेशानी झेलनी पड़ेगी। अगर किसी ने ख्वाब में आधी गाय देखी तो उसकी ताबीर ये होगी कि देखने वाली की बहन या लड़की किसी मुसीबत में मुब्तला होगी। इसी तरह अगर किसी ने गाय का हर वो हिस्सा देखा जो हिस्से विरासत में मुतय्यन है, मसलन रुबा, सुमन वगैरह, तो उसकी भी यही ताबीर दी जाएगी। अगर किसी ने ख्वाब में ये देखा कि वो किसी गैर की गाय को किसी दूसरे की गाय का दूध दो रहा है तो उसकी ताबीर ये होगी कि देखने वाला किसी दूसरे की औरत के साथ खयानत करेगा। और जब भी कोई इंसान ख्वाब में अपनी गाय को देखेगा तो उसकी ताबीर बीवी या लड़की में दायर होगी। ख्वाब में गाय का दूध जायज़ माल की तरफ इशारा करता है। ख्वाब में गाय की आवाज़ सुनना ऐसे लोगों की निशानदेही होती है जो अदब और एहतराम में मशहूर होंगे। ख्वाब में गाय से लगी चोट बीमारी की शक्ल में आती है। अगर किसी ने यह देखा कि उसके ऊपर गाय या बैल ने हमला कर दिया है और देखने वाला उसकी तरफ मुतवज्जे नहीं है तो उसकी ताबीर यह है कि देखने वाला उसी साल मर जाएगा। किसानों और काश्तकारों के ख्वाब में गाय का आना खैर व बरकत की तरफ इशारा करता है। ख्वाब में गाय का वो रंग अच्छा समझा जाता है जो घोड़े के लिए बेहतर समझा जाता है। नसरानी कहते हैं कि अगर किसी ने ख्वाब में ये देखा कि वो गाय या बैल का गोश्त खा रहा है तो उसकी ताबीर ये होगी कि देखने वाला हाकिम के दरबार में पेश किया जाएगा। और जो शख्स माल जमा करने की फ़िक्र में हो उसके ख्वाब में चर्बी का आना अलामत है इस बात की कि उसे माल बिला किसी कद्दोकाविश के हासिल होगा, यानी बग़ैर मेहनत के हासिल होगा, और वो उसे खर्च किए बग़ैर अपने पास जमा रखेगा। ख्वाब में गाय का भुना हुआ गोश्त ख़तरा या खौफ महसूस करने वाले के लिए अमन का बाइस होगा। यह गोश्त का भूनने वाला मामून रहेगा। अगर भूनने वाले की औरत हामिला होगी तो गोया ख्वाब में बशारत दी गई है कि लड़का पैदा होगा। गोश्त का ख्वाब में भूनना मईशत में कुशादगी का बाइस होगा। अगर गोश्त पका हुआ ना हो तो गोया देखने वाले को औरत की तरफ से रंज पहुँचेगा। बाज़ मुआबिरीन ने लिखा है कि अगर किसी ने गाय बैल का पका हुआ या भुना हुआ खाया तो गोया उसे रिस्क में तरक्की नसीब होगी। अगर किसी ने ख्वाब में देखा कि बैल ने उसको सींग मार दिया है तो उसकी ताबीर ये होगी कि वो काम से हटा दिया जाएगा। और जिस कदर उसको सींग की मार पड़ी है उसी के मुताबिक उसे नुकसान होगा। और अगर किसी ने देखा कि उसने बैल को ज़बह कर दिया है और उसका गोश्त तकसीम कर दिया है तो उसकी ताबीर ये होगी कि ऐसा देखने वाला मर जाएगा। अगर किसी औरत ने देखा कि वो बैल पर सवार हो गई है तो उसकी ताबीर ये है कि अगर उसका शोहर नहीं है तो वो जल्द ही शोहर वाली हो जाएगी। और अगर उसका शोहर है तो ताबीर ये होगी कि उसका शोहर उसका मुती और फरमाबरदार हो जाएगा। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि एक मरतबा मैंने ख्वाब में देखा कि गोया मैं किसी टीले पर खड़ी हूँ और मेरे इर्द गिर्द गाय बैल ज़बह किए जा रहे हैं। चुनांचे मैंने इस ख्वाब की ताबीर मसरूक से दरियाफ्त की तो आपने जवाब दिया कि अगर आपका ख्वाब सच्चा है तो इसकी ताबीर यह है कि आपके सामने एक ज़बरदस्त जंग होगी। चुनांचे ऐसा ही हुआ और आपके सामने जंग जमल हुई। अगर किसी ने ख्वाब में ये देखा कि गाय अपने बछड़े का दूध चूस रही है तो उसकी ताबीर ये होगी कि उसकी बीवी दूसरों को अपनी बेटी के साथ खयानत करने की दावत दे रही है। और अगर किसी ग़ुलाम ने यह ख्वाब देखा कि अपने आका की गाय का दूध निकाल रहा है तो उसकी ताबीर ये होगी कि ग़ुलाम अपने आका की लड़की से रिश्ते ज़ौजियत जोड़ेगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।